जय मसीह की। लुका उसका 16वां अध्याय 19 से 31 में वहाँ पर लाजर और एक धनवान की कहानी लिखी हुई है। धनवान हर रोज बैंजनी और मलमल के कपड़े पहनता था, हर रोज मौज मस्ती में रहता था। उसकी देवड़ी पर मतलब उसके आंगन में हर रोज लाजर नाम के एक भिखारी को छोड़ दिया जाता था। उसके पूरे शरीर में फोड़े पड़े हुए थे और कुत्ते उसको चाटते थे। और ये धनवान इंसान जब खाने के लिए बैठता था उसके मुंह से जो गिर जाता था वो टुकड़े देखकर इस लाजर को ऐसा होता था कि लाओ मैं भी इसको खा लूँ, लेकिन वो भी उसको नहीं मिलता था। धनवान लाजर को जानता था और लाजर धनवान को जानता था, दोनों मर गए। लाजर को पहुंचाया गया अब्राहम की गोद में और धनवान पहुंचाया गया नरक में। दोनों का न्याय हो चुका था। उस आग में पीड़ा में दुख में धनवान ने उस पार अब्राहम की गोद में बैठे हुए लाजर को देखकर चिल्ला कर कहा, हे अब्राहम पिता, इस लाजर को कहे कि वो अपनी उंगली पानी में डूबो कर एक बूंद पानी मेरी जबान पर रखे। इसका मतलब नरक में पड़ने के बाद धनवान जो है वो अब्राहम को पहचान रहे, वो लाजर को भी पहचान रहे। मतलब इस धरती पर उसने क्या किया था, किस तरह से जीवन जिया था, वो अभी भी उसको याद है। अब्राहम को तो कभी मिले नहीं होंगे, लेकिन वो भी बातें यहाँ पर प्रकट हो चुकी है। और फिर अब्राहम ने ऐसा कहा कि ये जो लाजर है वो तेरे पास नहीं आ सकता और तू वहां से इधर नहीं आ सकता, क्योंकि हम दोनों के बीच में एक बड़ा सा खड्डा है, वहां से इधर कोई आ नहीं आ सकता, यहां से उधर कोई नहीं जा सकता। देखो वो शरीर कैसा बनाया हुआ है, पर उसमें एक बात पक्की है कि खड्डा कोई क्रॉस नहीं कर सकता। फिर क्या हुआ, धनवान ने देखा कि लाजर मेरे पास नहीं आ सकता, मैं उसके पास नहीं जा सकता, तो कहा अब्राहम पिता कोई बात नहीं, उसको मेरे पिता के घर भेज दो, मेरे वहाँ 5 भाई है, उनका जीवन भी ऐसा है कि वो यहीं पर आने वाले, तो फिर आप वहाँ पर भेजो ताकि वो बचाया जाए। अब देखो ये धनवान जो है उसको अपने भाई लोगों की फिक्र है, वो तो धरती पर था तब भी मिलता था उनसे, लेकिन तब वो अपने भाइयों के साथ भी मौज मस्ती करता था, शराब पीता था, दुनिया भर के बुरे काम करता था, लेकिन आज उसे सच में सही प्रेम आ गया, नहीं मेरे भाई लोग बचने चाहिए, उनर में नहीं आने चाहिए, कुछ करो, वो तो नहीं कर सकता लेकिन दूसरे के पास कुछ करवाना चाहता है। लेकिन अब्राहम ने बोल दिया, उनके पास मूसा की पुस्तक है, दूसरे भविष्यवक्ताओं की भी पुस्तक है, वो उनकी सुने। बोले नहीं अब्राहम, मेरे पिता ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं भी नहीं मानता था, पुस्तक पढ़कर वो लोग भी नहीं मानने वाले, लेकिन यहां से कोई जाए तो वो लोग पश्चाताप करे, मैं इसको ये भी मालूम पश्चाताप करना चाहिए, मैंने नहीं किया, आज मैं नरक में हूं। देखो उसकी एक भी प्रार्थना एक भी विनती नहीं सुनी गई, पॉजिटिव उत्तर नहीं मिला। लेकिन यहां पर धनवान को देखो, उसे अपने भाइयों के प्रति सच्चा प्रेम आ चुका है, वो खुद भी पश्चाताप कर रहा है, अभी उसके दिल में कोई नशा नहीं है, कोई बैर नहीं है, लेकिन अभी वो सभी से पूरे हृदय से प्रेम कर रहे,
अभी प्रार्थना भी सच्चे हृदय से कर रहा हो, लेकिन क्या उसको कोई फायदा है? अब कोई फायदा? कोई फायदा नहीं। ये जो धनवान है उसको वहां पर प्यास लगी, क्या प्यास बुझाई गई? अगर आपको प्यास लगती है एक घंटे में एक बार आधे गिलास अगर आप पानी पीते हो, लेकिन अगर ना पियो तो क्या हो जाएगा? गर्मी है आपको प्यास लगे लेकिन पानी दो चार घंटे ना मिले तो क्या होगा? जब मिले तब क्या करोगे? लेकिन जैसे जैसे प्यास पड़ती है ऐसे गला सूखते जाता है, ऐसा होता है, थूक भी नहीं निकलता। अभी सोचो क्या इसकी प्यास आज नहीं तो कल कभी बुझने वाली है क्या? कभी नहीं। अगर वहां पर प्यास है तो फिर वहां पर भूख भी तो है। जब पानी नहीं मिलता तो क्या इसको खाना मिलेगा? वहां पर इसको खाना भी नहीं मिलेगा। क्या ये कभी वहां से बाहर आ सकता है? कभी भी नहीं। अब्राहम ने कहा हे पुत्र, देखो अभी भी अब्राहम तो कह रहे पुत्र, गलाती 3:29 में लिखा है अगर आप मसीह के हो तो अब्राहम की संतान हो, और अब्राहम की संतान हो तो प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना उसके 8 अध्याय में कि अगर अब्राहम के हो, अब्राहम की संतान हो तो अब्राहम के से काम करो। अगर इस धनवान ने अब्राहम वाले काम किए होते तो नरक में नहीं होता। फिर भी अब्राहम तो बोल रहे ना हे पुत्र, कहीं ऐसा तो नहीं आप भी अब्राहम के पुत्र हो लेकिन धनवान की तरह नरक में जाने वाले हो, अब्राहम के काम आप में ना हो। अब्राहम ने कहा हे पुत्र स्मरण कर, धरती पर तुझे अच्छी चीजें मिली थी, उसको बोलते याद कर। इसका मतलब वहां पर याद भी रहता है, इंसान को याद रहेगा कि मैं किस कारण से इस जगह पर आ पहुंचा हूं। और देखो धनवान यहां पर सुधर चुका है पूर्ण गति से, लेकिन अब उसे कोई फायदा नहीं। मैं आपसे एक ही बात करता हूं, इस घटना से एक बात पक्का चलती है कि जिस दिन आप नरक में जाओगे ना आप भी सुधर जाओगे, लेकिन वहां पर कोई फायदा नहीं रहेगा। इसलिए यहीं पर सुधर जाओ, यहीं पर अपने भाई और बहनों से माता पिता से सच्चा प्रेम करो, खुद बचो उनको भी बचा लो। यहाँ किसको प्यासा देखते हो तो उसको पानी दो, यहाँ पर कोई भूखा देता हो दिखता हो उसे खिलाओ, यहाँ पर कोई बीमार है तो उसके लिए कुछ करो, यहाँ पर कोई नंगा है तो उसको कपड़े दो। उस धनवान को सारी बात याद आ गई कि मैंने लाजर के साथ क्या क्या किया था, क्या भी उसको फिर से मौका मिलने वाला है? नहीं। लेकिन आपके आसपास कहीं ना कहीं एक लाजर हर रोज आपको दिखाई देता होगा, आपको हर रोज परमेश्वर एक मौका देते हैं आप बच जाओ। नरक में जाकर सुधरने से कोई फायदा नहीं। कहाँ है स्वर्ग, कहाँ है नरक, मत बोलो। लोग ऐसा कहते हैं कि मरने के बाद कोई बताता नहीं और जिंदा कभी देखता नहीं, तो फिर कौन कहता है कि स्वर्ग ऐसा है नरक ऐसा है? लेकिन मेरे प्रिय बाइबल में सब कुछ लिखा हुआ है, और इसलिए कठोर मत बनो। लेकिन नरक में जाकर सुधरने से अच्छा है यहीं पर सुधर जाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमेन।